आप सबको अगली पीढ़ी को डायबिटीज से बचाने की कैसे क्या विधियां अपनानी चाहिए इसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहूंगा। डायबिटीज खास करके टाइप 2 डायबिटीज होने से बचाव करने के लिए जीवन शैली का बहुत योगदान होता है और इस जीवन शैली के चुनाव को सही करने से डायबिटीज टाइप 2 होने से बचा जा सकता है। जीवन शैली में हम सजेस्ट करते हैं कि आप लोग जो भारी वजन वाले हैं वो अपना वजन घटाएं, सही मात्रा में खाना खाएं, व्यायाम एक्सरसाइज करने का एक शेड्यूल अपनी जिंदगी में जीवन में लेकर आएं और इस तरह से शरीर का स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए शारीरिक रूप से सक्रिय रहने से और स्वस्थ एवं संतुलित आहार खाने से टाइप 2 डायबिटीज से बचाव हो सकता है। आप सभी को डायबिटीज के जोखिम से बचने का कुछ उपाय बताना चाहता हूं। भारी वजन एक मात्र ऐसा कारण है जो डायबिटीज पैदा होने की क्षमता बढ़ा देता है। नियमित रूप से वर्जिश करें, एक्सरसाइज, खाने का कंट्रोल करने के लिए फल आहार और खाने में नियंत्रण रखें, नियमित रूप से व्यायाम करें और वजन को कंट्रोल में रखें। इसके अलावा तनाव का स्तर कम रखें और नींद पूरी तरह से लें। समय समय पर अपनी शुगर की जांच अपने डॉक्टर से करवाएं और इसके अलावा खाने की मात्रा पर ध्यान दें ताकि खाने की मात्रा आपके वजन को बढ़ने से रोके। आप सभी को डायबिटीज संबंधित आपातकालीन स्थितियों के बारे में बताना चाहता हूं। डायबिटीज की कई आपातकालीन स्थितियां पैदा हो सकती हैं वो मरीजों में जिसमें शुगर का नियंत्रण या बहुत कम या बहुत ज्यादा हो जाता है। डायबिटीज के मरीजों को यह सलाह दी जाती है कि अपनी शुगर की मात्रा नियंत्रण में रखें। अगर वो अपनी दवाइयाँ या अपने इंसुलिन के इंजेक्शन समय अनुसार अपने चिकित्सक के बताए अनुसार नहीं ले पाते हैं तो शुगर की मात्रा हाई हो जाने से इन पेशेंट को डायबिटिक कोमा होने का डर रखता है। दूसरी तरफ अगर आप खाना किसी वजह से नहीं खा रहे हैं और अपनी शुगर की दवाइयाँ या इंसुलिन का प्रयोग कर रहे हैं आपकी शुगर कम होने की स्थिति हो सकती है। इस कम शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से आपको बेहोशी हो सकती है। इसलिए अगर कोई भी डायबिटिक मरीज अस्पताल में बेहोशी हालत में आता है सबसे पहले शुगर की जांच करके ये पता करना आवश्यक है कि शुगर की मात्रा इस मरीज में ज़्यादा है या बहुत कम है यानी हाइपोग्लाइसीमिया है ताकि इलाज करने में आसानी हो।